क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब लैंगिक कठोरता, ये दिमाग से आती है क्या? ये प्रॉब्लम दिमाग से शुरू होता है? इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कम से कम मतलब अलग अलग स्टडीज के अनुसार पुरुष को अपने लाइफ टाइम में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ रहा है ये 50% to 60% है, और उससे भी ज़्यादा है कुछ स्टडीज में। इसका मतलब ये है कि आधे पुरुषों को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम को फेस करना ही होगा अपने लाइफ टाइम में। इतना ही महत्व का है। और प्री मैरिज रिजेक्शन तो बहुत ज़्यादा है। जो जो मेरे वेबिनार्स में सेमिनार्स में लोग आते हैं 90% लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनको शीघ्र पतन हो जाता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब लैंगिक कठोरता नहीं आना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब लैंगिक कठोरता नहीं आती जवानी में मतलब उम्र के 35 साल के अंदर, तो यूजुअली इट इज साइकोलॉजिकल, मानसिक रहती है। 35 साल के बाद में पहली बार यदि लैंगिक कठोरता नहीं आ रही है तो ये देखना पड़ेगा कि ये शारीरिक है क्या, कोई बीमारी तो नहीं है, वो आपको इन्वेस्टिगेट करके देखना होगा। इरेक्शन जो है वो मेनली तीन प्रकार का होता है। एक है रिफ्लेक्स इरेक्शन, मतलब कोई पास में आया, बातचीत हो गई, या कोई किसको देखा और खटाक से इरेक्शन आ गया, वो मोस्टली यंग एज में होता है, रिफ्लेक्स एकदम खटाक से रिएक्शन आ जाती है। नंबर दो जो है वो है नाइट इरेक्शन, नॉक्चर्नल इरेक्शंस। जब आदमी सोता है तो कम से कम एक नींद में, रात में 6-8 घंटे की नींद लेता है तो उसमें 3 से 4 बार इरेक्शन होता है। और कुछ लोगों को मॉर्निंग इरेक्शन होता है, मतलब सुबह जब उठते हैं तो इरेक्ट रहता है पेनिस, और जब तक वो टॉयलेट जाते हैं तब तक वो निकल जाता है। और तीसरा जो है वो इरेक्शन क्रिएट किया जाता है, क्रिएटेड इरेक्शन, और दैट इज विथ मेंटल इमेज, फिजिकल टच, बॉडी टच है, साथ साथ बैठे हैं, फोर प्ले किया हुआ है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, या मानसिक तैयार कर रहे इमेज, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ उसमें तैयार करते हैं और बाद में वो इरेक्शन आता है। अब ये इरेक्शन जो है उसके लिए मेनली जरूरत है कि आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम फिट होना चाहिए। यदि उसमें प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है और जो इम्पल्सिस पीछे से जाते हैं लिंग तक उसमें प्रॉब्लम है, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा। नंबर दो, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है मतलब हार्ट और खून की जो नलियां रहती है, रक्तवाहिनी, तो खून की वाहिनी जो है, रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल्स, वो अच्छी होना चाहिए, इंटैक्ट होनी चाहिए, तो नंबर दो। नंबर तीन जो है वो हार्मोनल बैलेंस होना चाहिए, यदि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और नंबर चार, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। यदि आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, डर है, तो इरेक्शन नहीं होगा। जैसे चार पॉइंट है कि जो इरेक्शन के लिए जरूरी है। मानसिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है मतलब मानसिक कारण से इरेक्शन नहीं आना, वो उसको बोला जाता है कि भाई जब व्यक्ति को कठोरता आती नहीं है या कठोरता आने के बाद में टिकती नहीं है, और उसका कारण यदि मानसिक है तो उसको बोलते कि साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जिनको जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ईडी है, तो उनको 3 से 4 गुना डिप्रेशन ज़्यादा, 3 से 4 गुना ज़्यादा डिप्रेशन होने के चांसेस है। और उल्टा भी है, ऐसे वर्षा कि जो डिप्रेस्ड है उनको ज़्यादा ईडी होने के चांसेस है। अब डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन मतलब निराशा है, उदासीनता है, कोई ऐसी कुछ कोई बात में रुचि नहीं है, काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत स्लो हो गया है, रोना आता है, फिर निराशावाद, नींद नहीं आना, तो कम से कम ये सिम्टम्स जो है ये 15 दिन तक चलते हैं तो उसको डिप्रेशन कहा जाता है। कभी कभी ये डिप्रेस पेशेंट में सुसाइड के भी विचार आते हैं, और कभी कभी व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, क्योंकि क्या होता है कि पहले ही डिप्रेस्ड है और उसमें ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ गया, लगता है कि अपन तो पूरे ही काम में गए और वो खटाक से एक दिन अपना लाइफ खत्म कर देता है। तो डिप्रेशन यदि है, सुसाइड के विचार है, तो उसकी ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अभी मेन जो कारण है साइकोलॉजिकल वो आपको बताता हूँ, 8 कारण है मेनली। नंबर एक है वो स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव है दिमाग के ऊपर, तो वो कारण हो सकता है। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब तनाव है, तनाव के विचार है, फिक्र है ना, तो फिर उस समय
एड्रेनलिन गश बहुत ज़्यादा होता है दिमाग में, एड्रेनलिन हार्मोन, और स्टीरॉयड का गश होता है। ये दोनों भी हार्मोन जो दिमाग के वो घातक होते हैं और उसमें इरेक्शन नहीं आता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस के विचार जो है वो कम करना जरूरी है, उसका मेरा अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। नंबर दो ने जो है वो एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, वो बीमारी आपको है या थोड़ा भी एंग्जाइटी है तो आपका इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा। और जब एंग्जाइटी जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, मतलब एंग्जाइटी मतलब क्या, एक्चुअली परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है कि मैं कर सकूंगा नहीं, ये डर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो साइकिल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस ज़्यादा है तो फोकस कहाँ होता है कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, उसके ऊपर फोकस। अब जब फोकस करूँगा कि नहीं करूँगा, टाइटनेस आ रहा कि नहीं आ रहा, उसके ऊपर फोकस है, डेफिनेटली टाइटनेस नहीं आता है, टाइटनेस नहीं आता है सेक्सुअल फेल हो जाते हैं, और सेक्सुअल फेल हो गए फिर स्ट्रेस आता है, फिर स्ट्रेस है, फिर फोकस है परफॉर्मेंस के ऊपर कि कल जमाने आज तक भी जमता कि नहीं जमता है, फिर वहाँ से परफॉर्मेंस बराबर होता नहीं है, एक्सपीरियंस बुरा होता है और फिर चालू चक्कर। तो ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को ठीक करना जरूरी है। नंबर तीन जो है वो है रिश्ते। जब आपके रिश्ते ठीक नहीं है हस्बैंड वाइफ के, और आप एकदम ऐसे कगार पे कि नहीं अभी तो सब खत्म हो गया, अभी सेपरेट ही होना है, या उसके पियर के प्रॉब्लम है, सास ससुर के प्रॉब्लम है, सास की पट्टी नहीं है, रहने का है कि नहीं ये भी क्लियर नहीं है, कुछ मजबूरी है करके साथ में रह रहे, ऐसे मतलब डिस्टर्ब रिलेशनशिप है, बहुत दिन से सेपरेट भी हुए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दहेज मांग लिया तो कंप्लेन हुई, पुलिस कंप्लेंट हुई, मतलब औरत ने अपने हस्बैंड के ऊपर कंप्लेंट की हुई है, और भाई मुझे दहेज मांगा और ज़बरदस्ती रह रही है, हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे इशू है कि जिसमें रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो वहाँ सेक्स नहीं होगा। नंबर चार जो है वो गिल्ट, अपराध बोध की भावना, कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सब कुछ गया हुआ है, अभी मेरा क्या बचा है, मैंने मतलब ऐसा हो गया था वैसा, सब सब अपराध बोध की भावना, मैंने बहुत सारा अपराध किया हुआ है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैंने सेक्स और औरतों के साथ किया हुआ है तो मैंने फंसाया हुआ है मेरे औरत को, ऐसा कुछ भी ऐसे विचार यदि आ रहे हैं तो डेफिनेटली सेक्स करने में तकलीफ हो जाएंगी, गिल्ट। नंबर पाँच जो है वो है सेल्फ एस्टीम, मतलब अपना स्वाभिमान, अपना खुद के बारे में खुद का मत, सेल्फ इमेज, वो यदि गई बीती है कि मैं लायक ही का नहीं हूँ, नालायक हूँ, मेरे को जमेगा नहीं है, तो एक ये प्रॉब्लम हो सकता है कि सेल्फ एस्टीम का। नंबर छः जो है कि कल्चरल इश्यूज रहते हैं, कल्चरल इश्यूज मतलब आपके समाज में आपके ऊपर क्या संस्कार हुए, समाज मान्यता क्या है, ऐसी हो सकती है समाज मान्यता कि भाई नहीं नहीं शादी के पहले सेक्स नहीं करना है, फिर समाज मान्यता यह है कि भाई MC जब चालू होती है तो सेक्स नहीं करना है, ऐसे अलग अलग मान्यताएँ रहती है कि कोई घर में समझो कोई रिलेशनशिप में कोई डेथ हो चुकी है तो सेक्स नहीं करना है, या फास्ट है, उपवास है, नवरात्रि का एक उपवास है, 9 दिन तक सेक्स नहीं करना है, ज़बरदस्ती करना, तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं कि जिसमें ये साइकोलॉजिकल कारण से सेक्स होगा ही नहीं। सातवां जो है वो है ट्रामा, एक्सीडेंट हो गया, आघात हो गया, कहेगा दिमाग के ऊपर एक्सीडेंट, और बहुत कुछ तो भी हुआ है सेक्स के बारे में, बहुत गड़बड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग में ऐसी चोट पहुँच गई है कि आपका भी वहाँ से मन ही उठ गया। अभी इसमें ट्रामेटिक एक्सपीरियंस मतलब क्या हो सकता है, ट्रामेटिक एक्सपीरियंस मतलब ये हो सकता है कि भाई आपको पहले कोई स्त्री के साथ में आपके संबंध है, या आपकी वाइफ भी हो सकती है कोई से मतलब, और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अभी कल ही मैंने पेपर में पढ़ा कि भाई वाइफ सेपरेटेड है और वो अलग गाँव में रह रही है, उनका इश्यू चल रहा है, और ये आदमी वो गांव में गया और वहाँ उसके साथ में शरीर संबंध की डिमांड किया, उसके ऊपर लैंगिक अत्याचार करने की कोशिश किया, और अभी उसने कंप्लेंट कर दिया औरत ने कि ये मेरे ऊपर इसने मेरा विनय भंग किया हुआ है और अत्याचार किया है, अभी वो अंदर कर दिया, मतलब ऐसे कुछ भी हो जाते हैं कि इसका वीडियो देख निकाल दिया है कभी और मालूम नहीं है, फिर उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको मतलब वीडियो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, उसमें मास्टरबेशन करने के लिए उद्योग करते हैं, सेक्स करने के लिए, बॉडी पार्ट बताने के लिए, और फिर वो फोटो निकाल लेते उसका और फिर ब्लैकमेल, ऐसे कुछ तो भी ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस यदि हो गए तो फिर सेक्स में प्रॉब्लम आ जाता है। आठवां जो है वो है पॉर्नोग्राफी। पॉर्नोग्राफी इश्यूज़ में क्या होता है कि पॉर्न देखने की आदत हो गई,
अब पॉर्न देखने की आदत है और पॉर्न देखते देखते आप हंसते मैथुन कर रहे हैं और फिर सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, सेक्स करने जाओ तो टाइटनेस आता ही नहीं, एक वो कारण है। कि या फिर पॉर्न में जो तरह का बताया जाता है कि इतना इतना लंबा लंबा पेनिस है और आधा आधा घंटा एक एक घंटा वो सेक्स कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि मैं वो लायकिका नहीं हूँ, मेरे में कुछ तो भी कमी है, और ऐसा पॉर्न देख देख के इतना बुरा असर होता है कि वो सेक्स करने में नाकामयाब हो जाता है। तो पोर्नोग्राफी इशू बहुत बड़ा इशू है। मानसिक लैंगिक कमजोरी है, ये है भी, तभी भी ऐसा मालूम पड़ा है स्टडीज में कि ब्रेन में कुछ चेंजेस दिखाई दी, चेंजेस इन द फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का एरिया रहता है, एमिगडाला रहता है, इसमें चेंजेस दिखाई दिए, इसमें थोड़ा सा एट्रोफी दिखाई दी। मतलब ऐसा नहीं कि मानसिक है तो कोई ब्रेन में है नहीं, तो ब्रेन में भी कुछ स्टडीज में ऐसा मालूम होगा कि उसमें ब्रेन में कुछ ना कुछ हो जाता है। अब वो साइकोलॉजिकल कॉज होने के बाद में ब्रेन में होता है कि ब्रेन में ऐसा हुआ करके ये होता है, ये भी क्लियर नहीं। फिर दूसरा है कि हमको ये देखना है ट्रीटमेंट में कि ये जो है वो 2400 घंटे है या कभी कभी इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है। मतलब इसको बोलते हैं कि जनरलाइज्ड है, जनरलाइज्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि सिचुएशनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। जनरलाइज मतलब क्या है कि कोई भी सिचुएशन में कोई भी समय पे इरेक्शन आता ही नहीं है। ये मोस्टली इसका कारण मेडिकल है या शारीरिक है मोस्टली, क्यों कभी ना कभी तो आना ही चाहिए, कम से कम रात में तो आना चाहिए सोने में। यदि सोने में, मतलब ये बहुत डायग्नोस्टिक है कि रात में यदि आपको इरेक्शन सपने में सोने में आता नहीं है या मॉर्निंग इरेक्शन बिल्कुल आया ही नहीं है, तो चांसेस ये है कि शारीरिक कारण है, मेडिकल इश्यूज है। तो रात में आया कि नहीं आया इरेक्शन, उसके लिए फिर टेस्ट है, नॉक्टर्नल पेनाइल टिम्यूसेंस टेस्ट है, वो टेस्ट की जाती है, मगर वो टेस्ट बहुत महंगी होती है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि यूजुअली ये बहुत ही मतलब ये हो गया क्या होता है कि वर्नैक्युलर हो गया कि पोस्टल स्टैम्प्स जो आते हैं वो लिंक को चिपकाना है, और पोस्टल स्टैम्प यदि लिंक को चिपकाते हैं सोने के समय और सो जाता है तो यदि इरेक्शन हो गया रात में तो पोस्टल स्टैम्प निकल जाएंगे, क्योंकि वो साइज बड़ा हो जाएंगे तो निकल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पेनाइल टिम्यूसेंस टेस्ट जो है नॉक्टर्नल पेनाइल टिम्यूसेंस टेस्ट बहुत महंगी होती है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जर्वेशन कर सकती है महिला पार्टनर कि भाई इसको नाइट में इरेक्शन आता कि नहीं आता। जो भी टेस्ट है वो महंगे, इसलिए हम अभी रेकमेंड नहीं करते। तो रात में भी आ रहा है इरेक्शन, सपने में आ रहा है, नींद में आ रहा है, तो वो मोस्टली साइकोलॉजिकल है, दिन में जो हो रहा है उसका प्रॉब्लम, क्योंकि नाइट में तो आ रहा है, जब दिमाग काम नहीं कर रहा है, शांत है, सो रहा है, तो इरेक्शन आ रहा है। तो ये हमको देखना है। तो फिर भी जनरलाइज जो है 2400 घंटे, उसका मेडिकल कॉज ढूंढना पड़ेगा कि क्या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शराब की लत है, ओबेसिटी है, कोई नर्व्स के प्रॉब्लम है, ऐसे उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि भाई ये 2400 घंटे आता ही नहीं है तो इसका क्या प्रॉब्लम है, और जो भी बीमारी है उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। और एक सिचुएशन है या स्पेसिफिक सिचुएशन भी आता है तो हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का, या फिर हो सकता है कि डिप्रेस्ड है कोई कारण से और एंग्जाइटी हो रही है, पार्टनर से पट्टी नहीं है, या फिर कुछ से भी रिलेशनशिप इशू आया है, झगड़ा झंझट हो चुका है, मतलब ऐसा ये इरेक्शन आने के पहले कुछ ना कुछ हुआ है। जो मेडिकल होता है ना वो धीरे 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 कम 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 होता जाता है। साइकोलॉजिकल है, जब आप हिस्ट्री लेंगे तो मालूम पड़ेगा अरे सडन हो गया, अरे यार कल तक अच्छा था आज ही ऐसा हो गया, सडन एब्रप्ट, इसका मतलब कुछ तो भी दिमाग में हो रहा है। तो ऐसे ये कारण है और इसका इलाज तो करना ही होगा। तब ये ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट है कि नंबर एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये थेरेपी से बहुत अच्छा ये होता है, मतलब उपचार हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाती है कि भाई एक्चुअली होता क्या है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स है, आपका थिंकिंग क्या है, कितनी निगेटिविटी है, और उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब उसमें चर्चा की जाती है। फिर दूसरा जो है वो सेंसेट फोकस एक्सरसाइजेस, और सेंसेट फोकस मतलब ऐसा है कि जेनिटल जो है मतलब लिंग जो है, तो लिंग के ऊपर या प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कभी भी कहीं भी हाथ न लगाते हुए पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करना और मसाज करना, स्टिमुलेट करना, और उसमें फिर बताया जाता है कि आपका फोकस जो है वो सिर्फ स्टिमुलेशन में, एक्साइटमेंट में, ना कि इंसर्शन में है।
तो ये सेंसेट फोकस एक्सरसाइज, सेंसेट फोकस थेरेपी, ये मास्टर्स एंड जॉनसन नाम से बहुत फेमस है। तीसरा जो है कि भाई डिप्रेशन देखना होगा कि अंडरलाइन डिप्रेशन है क्या, एंग्जाइटी है क्या, और वो हमको ट्रीट करनी होगी, क्योंकि यदि डिप्रेशन है आप इधर कितनी भी दे दो मेडिसिन इरेक्शन की, वो डिप्रेशन है ठीक नहीं करते तो फायदा नहीं होगा। अब ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन और एंग्जाइटी करनी होगी, वो तो उसका किया तो नेचुरली अच्छा हो जाए। चौथा जो है कि वो जो सिल्डानाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल, लेवेनाफिल, ये जो मेडिसिन है वो देना है। अभी मेडिसिन क्यों देना है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो साइकिल है वो साइकिल ब्रेक हो जाती है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, वो जो है कि होंगा नहीं होंगा नहीं होंगा नहीं होंगा नहीं, ऐसा जो हो जाता है कि मेडिसिन देने के बाद में इरेक्शन बहुत बार आ सकता है वैसे ही, और एक बार इरेक्शन आ गया तो वो जो है कि मैं कर नहीं सकूंगा ये डर वो निकल जाता है, एक बार हो गया साइकिल ब्रेक हो गई हो आगे अच्छा हो जाए। तो जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है करने का वहाँ ये मेडिसिन का वापर कर सकते हैं, वापर करके एक बार वो साइकिल ब्रेक हो गई तो बाद में अच्छा हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं करने के। सबसे बेस्ट जो है वो हम हिप्नोथेरेपी में लोगों को करवाते हैं कि हिप्नोथेरेपी करो, हिप्नोटाइज करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, उसमें इमेजिन करो, सेक्स इमेजिन करना है, आप सेक्स में आपकी औरत के साथ में है या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में है जो भी है, और फिर उसमें आप अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और आपका जो इरेक्शन का जो टाइम है वो टाइम बढ़ रहा है, आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, फोर प्ले कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा चला, बहुत एंजॉयमेंट किया, ऐसा ये हिप्नोसिस में सजेशंस और विजुअलाइजेशन करने लगा थे। तो ये सभी ट्रीटमेंट से डेफिनेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन अच्छा हो जाएगा और आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। मैंने पहले बोला कि ये 50% लोग उनके लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम से सफर होने वाले हैं पुरुष, तो फिर वाई नॉट टू सर्कुलेट दिस, लोगों को क्यों नहीं ये घुमाना वीडियो, क्योंकि सबको कभी ना कभी प्रॉब्लम आने वाला ही है, सबको फायदेमंद रहेगा। सो शेयर करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।